नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारोबार चैनल में। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। आज हम आपको बताएंगे कि मैनुअल ड्राइविंग में जो गियर लगता है वो कैसे लगता है, गियर कैसे लगाना चाहिए और कैसे याद रखना है कि कौन सा गाड़ी किस गियर पे है। तो सबसे पहली बात तो जो गियर न्यूट्रल में होती है वो ऐसे मूव करती है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप इसको यहाँ करके छोड़िएगा तो ये बीच में आ जाएगा, यहाँ भी करके छोड़ेगा तो बीच में आ जाएगा। तो जब आपको पहला गियर लगाना होता है तो आप इसको ऐसे इस तरफ पुश करेंगे यूं, और ये ऐसे लग गया पहला गियर, ठीक है। अब आपको दूसरा गियर जब लगाना होगा तो आप इसको पुश करेंगे उधर ही, तो ऐसे नीचे की तरफ घींच देंगे, दूसरा गियर लग गया। अब जब आपको तीसरा गियर लगाना है तो आपको पुश नहीं करना, आपको सिर्फ इसको हल्का सा आगे की तरफ मूव करके छोड़ देना है, और ये बीच में आ गया। बीच में आ गया मतलब ये तीन पे लगने के लिए तैयार है, और आपको सिर्फ आगे की तरफ मूव कर देना है, तो ये तीन पे गियर लग जाएगा। फिर आप इसको सीधा नीचे कर दीजिएगा तो चार पे लग जाएगा, और जब आपको पाँच पे लगाना है तो आप इसको ऐसे करके इस तरफ दबा के पाँच पे कर देंगे। रिवर्स तभी लगता है जब गाड़ी नॉर्मल पोजिशन पर होता है, जब गाड़ी स्टेबल होता है तभी रिवर्स लगता है, और वो आपका ऐसे यहाँ पे यूँ लग जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है। ये है गियर की पोजीशन। आप हमेशा याद रखें, जब तीन चार लगाना होता है तो आपको कहीं खींचना उचने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस पोजीशन में उसको फ्री छोड़ दीजिए, वो बीच में खुद आ जाएगा, और आगे तीन और पीछे चार अपने आप खींच के लग जाता है। आपको तीन चार के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दो के लिए आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा एकदम राइट साइड में, और पाँच और रिवर्स के लिए आपको इस तरफ पुश करना पड़ेगा। सो ये मैनुअल गियर का मैकेनिज़्म है, इसको आप यूज़ करें और आपको याद रहेगा कि कैसे गियर शिफ्ट करना है और कौन गाड़ी किस गियर में, आपको हमेशा याद रहे। ये क्योंकि XM प्लस मॉडल है सिटी ड्राइव तो मोड इसमें एक्टिवेटेड। क्लस्टर पे आपको गियर की पोजीशन दिखाती है एक बार अगर आप चेंज कर देंगे तो, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कृपया हमें कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।